बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, हो दुनिया आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। तो काफ़ी दिन के बाद आज व्लॉग शुरू किया है, तो वजह यह बनी है कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका था बस में, तो जिसकी वजह से चोटें अंदरूनी चोटें ज़्यादा थी, बैरूनी तकरीबन 2 लगी थी मेरे। ये नाक पे है, ये भी काफ़ी गहरी चोट लगी हुई है। तकरीबन 1.5 हफ्ते के बाद अभी कुछ आके बेहतर होनी शुरू हुई है। तो एक टांग पे लगी है, उसका भी कल मैंने एक्स्ट्रा करवाया, तो वो भी माशाल्लाह बेहतर है। बाकी जिस्म मुकम्मल हिल चुका था। तो 28 अक्टूबर जुमेरात का दिन बनता है, उस दिन मैं आया था अचानक घर में, तो ये भी अचानक ही आना हुआ मेरा जुमेरात के दिन, और बग़ैर बतलाए, ना मैंने पीछे बतलाया ना मैंने आगे बतलाया। तो लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ बस का, तो उस वक्त फिर मुझे बताना हुआ सबको। और सामान इस दफ़ा भी मैं पीछे भूल आया हूँ, जो मेरा लैपटॉप मोबाइल वगैरह एक पीछे पड़ा है। तो एक दिन के लिए आना होता है, इसलिए मैं सामान लेके नहीं आता हूँ। तो लेकिन ये कुछ पता नहीं था कि ये भी कुछ बनेगा हमारे साथ। तो राजपूत ट्रैवल वालों की बस थी जिसमें मैं सफ़र कर रहा था, उसी बस का एक्सीडेंट हुआ है, तो अल्लाह ताला ने बचा लिया। काफ़ी ख़तरनाक एक्सीडेंट था। अभी 1.5 हफ्ते के बाद कुछ बेहतरी महसूस की है। कल भी मैं अपनी ज़मीनों में आया था, तो आज भी उसी तरफ जा रहा हूँ। कुछ चारा वगैरह अब्बा जी के साथ देखते हैं क्या सूरत हाल है। कल मैं गया था, एक क्यारा हमारा तैयार किया हुआ है गंदम के लिए, और दूसरा भी थोड़ा सा चारा रहता है वो काटने के बाद, तो उसको भी तैयार करेंगे। लेकिन मेरा इरादा है कि कल तक मैं वापस चला जाऊँगा उकाड़ा। तो इसलिए मैंने आज व्लॉग शुरू किया कि अपने दोस्तों को कुछ सूरत हाल बताई जाए। और कुछ दोस्त हैं, उन्होंने आ जाना है, तो उनको पता चला था मेरा एक्सीडेंट हुआ है, तो उन्होंने कुछ पता लेने आना है, तो उनके लिए मैं खाने का भी घर में कह के आया हूँ, खाना तैयार हो रहा है उनके लिए। तो मुल्तान से हैं, एक उसी इलाके से हैं जहाँ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वहाँ मुझे कोई समझ नहीं आई कि उनसे कुछ रबता वगैरह कर लिया जाए, तो कुछ अपनी पट्टियों वगैरह में लगे रहे। तो उसी चक्कर में किसी को बताना कुछ भी याद नहीं रहा। तो बाकी अपनी पट्टियां कराने के बाद जो साथ वाली सवारियां थी उनके भी साथ हेल्प करते रहे हम, तो सब एक दूसरे की हेल्प में लगे रहे। तो बस अभी हम अपनी ज़मीनों में पहुंच चुके हैं। ये देखें, ये पानी लगा है आज, ये हमने बरसीन की बिजाई की हुई है, बरसीन है मुकम्मल, और साथ इसमें थोड़ी सी जवी गिराई है। तो उसके बाद जो वो अगला कह रहा है जो उसमें भी पानी लगाया है, वो गंदम के लिए तैयार कर रहे हैं, उसकी रोनी हुई है। देखें ये कह रहा है ये गंदम के लिए तैयार कर रहे हैं, और इससे भी आगे कह रहा है वो उसमें अभी थोड़ा सा चारा खड़ा है, जिसकी वजह से अभी उसको तैयार नहीं किया है। तो तकरीबन 2 से 3 दिन का चारा है, जो वो कट जाएगा तो उसको भी तैयार करेंगे हम। चारा भी आज नहीं कटा है, क्यों, जिस आदमी ने काटना होता है वो पानी लगाता रहे, तो अभी देखते हैं सब रल मिल के चारा काटते हैं, फिर उसके बाद लेके जाएंगे। शुरू हो चुके हैं, वो काट रहे हैं। जो आदमी रखा हुआ है काम करने के लिए, तो वो फिर थोड़ी सी ऊँच नीच हो जाती है, तो पहले पानी लगाते रहे हैं, अब कुछ टाइम निकाल के चारा काटेंगे, फिर लेके जाएंगे उनको। दो पंडे हमारी चली चुकी हैं, तो दो की अभी तैयारी कर रहे हैं, एक रख रही है मैंने, एक आ रही है, तो उसके बाद फिर फारिग हैं, बाकी खाने पकाने का जो इंतज़ाम कर रहे हैं वो करेंगे। तो तकरीबन 10-10:30 का टाइम हो रहा है, तो मैंने उनको 12 बजे का टाइम दिया था कि 12 बजे का खाना हमारी तरफ होगा उन दोस्तों का, तो बस अभी जाके उसकी तैयारी करेंगे। की हो गया, नींद ज़्यादा आई आज, नींद ज़्यादा आई हुई है, ये सोया हुआ शेर हमारा। ये देखें जी, ये हमारी आज रेडी बनाई हुई है, मोटरसाइकिल के पीछे रखी हुई है,
ये सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए हमने बनवाई है। चारा एक पंड नीचे है, दो ऊपर हैं, एक वो आ रही है, तो अभी इसको लेके भी जाएंगे। तो अभी चारा आज खुद काटना पड़ा है, कि जिस आदमी को हमने रखा हुआ है उसकी आज तबीयत ख़राब थी काफ़ी, तो खुद काटा है और लेके आए इधर तक। तो गर्मी लग रही है अभी, अभी तो लेके भी जाना है इसको। तो कल से व्लॉग शुरू किया हुआ है मैंने, कल बस वो मेहमान वगैरह जो दोस्त वगैरह थे वो आए हुए थे, तो उनमें काफ़ी टाइम हमारा गुजरा है, उसके बाद फिर थकावट थी तो इसीलिए कल कुछ टाइम नहीं मिला। तो आज निकले हैं, तो आपको अपना ये सिस्टम दिखा रहे हैं कि जो हमने अभी अभी तैयार किया है, ये रात में इसी में लगा रहा हूँ, तो तकरीबन असर के बाद इसी में हम काम करते रहे हैं। ये इसके नए बनवाए थे रात असर के बाद, तकरीबन रात मुझे इसी में इसको टाइट करते हुए टाइम काफ़ी लगा मुझे। तो असर के बाद शुरू हुए थे, तो मगरिब के बाद जाके फारिग हुए थे हम।